अजमेर में संभागीय आयुक्त पद पर नियुक्त हुए महेशचंद शर्मा ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई फ्लैगशिप योजनाओं को बेहतर तरीके से संभाग में लागू किया जाएगा। साथ ही संभाग के सातों जिलों की टीम के प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा अन्य विभागों के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम करेंगे। शर्मा ने कहा कि आम जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा, साथ ही उन मुद्दों का निराकरण किया जाएगा। इसके लिए जनता को छोटे छोटे कामों के लिए विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं, उस पर विशेष। मैंने संभागीय आयुक्त अजमेर के पद के ऊपर अभी ज्वाइन किया है और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको हम बेहतर तरीके से अजमेर संभाग में लागू करें। भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं और जो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको हम पारदर्शी तरीके से संवेदनशीलता के साथ आम जन के बीच में रह करके और तत्परता के साथ लागू करवाएं। मेरा जो 7 जिलों की जो पूरी टीम रहेगी, प्रशासनिक टीम है, और विभिन्न विभागों के साथ मिलकर के हम बेहतर समन्वय के साथ काम करें। सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि हम बेहतर समन्वय से काम करें, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपस में कई बार कोऑर्डिनेशन का अभाव रहता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि संभाग में सभी विभाग बेहतर समन्वय से काम करें, पारदर्शिता के साथ काम करें और जिम्मेदारी के साथ और संवेदनशीलता के साथ काम करें। आम जन की आवश्यकताओं को समझते हुए हम बेहतर आउटपुट दे पाएं। आम जनता की अपेक्षाएं हमारे से बहुत कुछ अच्छा करने की होती है और मेरी टीम का के साथ मेरा ये मतलब प्रयास रहेगा कि हम संवेदनशीलता के साथ, तत्परता के साथ उन मुद्दों का निराकरण करें जिनसे आम जन को छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत सी बार अधिकारियों से मिलना नहीं हो पाता। तो उसमें हम चाहेंगे कि साफ सुथरा और बेहतर प्रशासन हम दे पाए। आपके पास बोर्ड का प्रशासन का भी अतिरिक्त कार्यभार रहेगा, आने वाले समय में परीक्षा एक चुनौती है। जी बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले ही जयपुर में हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई थी। मैंने ज्वाइन करने से पहले मैं शासन सचिव था जयपुर में और उस समय मैंने उस बैठक में एडवांस में भाग ले लिया था, जिसमें माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में हमने ये तय किया है कि अभी जो मार्च में हम परीक्षाएं बोर्ड की करवाएंगे उसमें लगभग 20 लाख विद्यार्थी हमारे बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं जो इसमें भाग लेंगे। हम इस बार प्रयास करेंगे कि हम बहुत सख्त व्यवस्थाएं करें, किसी भी तरह की बोर्ड परीक्षाओं में कोई कोताही लापरवाही हमें बर्दाश्त नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि बेहतर सुरक्षा के साथ जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनको हम संपादित करें, जिससे कि समय के ऊपर बेहतर व्यवस्थाओं के साथ हम बोर्ड की परीक्षाओं को संबोधित करवा पाए। सर, यह राजस्व मंडल का मुख्यालय है प्रदेश का और मोस्टली लोअर रेवेन्यू बोर्ड्स में जो है अधिकारी प्रोटोकॉल में रहते हैं और जो लीगल जुडिशियल वर्क है वो अफेक्टेड होता है। पोस्ट भी बहुत खाली है रेवेन्यू लोअर पोस्ट। राजस्व अदालतों का जो काम है वो हमारे जो राजस्व हमारे राजस्व अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, उनको निस्संदेह रूप से बहुत सारे दूसरे काम भी करने होते हैं। हम प्रयास करेंगे कि वो नियमित रूप से राजस्व न्यायालयों का काम करें, SDM, ADM, राजस्व अपील अधिकारीगण, हमारे जिला कलेक्टर साहिबान, जिसको भी सहायक कलेक्टरगण, जो भी राजस्व न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा और मैं खुद समीक्षा करूँगा प्रत्येक जिले की इस बात को लेकर के कि राजस्व न्यायालयों का काम, क्योंकि जो जमीन से जुड़ा हुआ काम है आम जन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम चाहेंगे कि हमारे पीठासीन अधिकारी, हमारे सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ टाइमलाइन तय करके उन कामों को निपटाए, जिससे कि ऐसा नहीं हो कि जो एक पुरानी कहावत थी कि बहुत लंबे समय तक राजस्व अदालतों में न्याय मिल पाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि समयबद्ध तरीके से जल्दी न्याय मिल पाए। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट पंचशील, ए ब्लॉक, अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10, 9773-26213। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह, सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।